तो आज का लेक्चर है 10th क्लास वालों के लिए और सेकंड लेसन तो आपका सेकंड लेसन चल रहा है, ठीक है। अन सार लवण। तो कल हमने पढ़ा था धातु कार्बोनेट प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल H2O और लवण। तो आज जो हमें प्राप्त होने वाला है तो हमें मतलब उसके साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे CO2 चूने के पानी के साथ। तो चूने का पानी जो होता है जैसे CaOH2, ठीक है, उसको CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को अगर चूने के साथ चूने के पानी के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो उसमें क्या प्राप्त होगा अपने को CaCO3 प्लस H2O चूना और H2O अत्यधिक मात्रा में। दोबारा अगर हम इसको CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे उसी प्रोसेस में तो हमें CaCO3 के साथ H2O प्लस CO2 H2O इसको वापस हम CO2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें CaCO3 प्राप्त होगा। चूना का पत्थर हो या फिर संगमरमर हो चाहे खड़िया हो चाहे कुछ भी हो किसी प्रकार का अगर हम क्रिया करवाते हैं धातु कार्बोनेट तो हमें वह धातु कार्बोनेट के साथ अगर अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जल और जल लवण और जल प्राप्त हो, ठीक है। आगे है अब अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है। जब अम्ल और क्षार दोनों अगर एक साथ अगर अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अम्ल और जल के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमें लवण और जल प्राप्त होगा तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे NaOH और HCl NaOH आपका क्षार और ये HCl है NaCl, ठीक है। Na सोडियम है सोडियम भी हुआ और Cl यहाँ से लिया तो हमें लवण और जल भी प्राप्त होने वाला है। ये सोडियम क्लोराइड है पहले लिख दिए हमने ये सोडियम क्लोराइड है और ये H2 हाइड्रोजन वो पानी है। अम्ल है हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो आपको जल और लवण प्राप्त होगा, ठीक है। अम्ल और क्षार जब क्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त